हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आकाश शिंदे और आज का जो ब्लॉग है वो फूड ब्लॉग है और वो मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ डोंबिवली में, बिकॉज डोंबिवली में मेरा दादा रहता है, मतलब मेरे चाचा का लड़का। सो ही इज़ स्टेइंग हियर सिंस लास्ट 25 ईयर। सो इसको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे फेमस फूड के आउटलेट कौन कौन से, स्ट्रीट फूड कौन सा अच्छा है, बहुत ओल्डेस्ट वाले कौन सा है, न्यू वाला कौन सा है। सो ये अच्छे से हमें गाइड करेगा एंड इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना फूड लवर है। और इसमें प्रकाश भी रहेगा हमारे साथ। तो आज का जो फर्स्ट प्लेस है वो है गणेश कोल्ड ड्रिंक्स। ये गणेश कोल्ड ड्रिंक्स पहले से नाम है बट ये अप्पम के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पे बहुत वैरायटी का और फेमस अप्पम वाला है, तो फर्स्ट हम अप्पम ट्राई करेंगे। सा मसाला मेदू वड़ा पर गया। और ये ऑर्डर किया है सादा अप्पम जिसमें चटनी डाल के देते हैं एंड ये पूरा अप्पम जो बनता है ये ऐसा कढ़ाई में बनता है एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में। दे प्रोवाइड यू मसाला अप्पम ऑल्सो जिसमें बीच में आलू का भाजी जाएगा। खाना कैसा है? नॉर्मल डोसा सारखा है। नॉर्मल डोसा सारखा है असं काय म्हणजे? ठीक आहे, फक्त असं ते वाटीसारखं बनतं। बघ वाटीसारखं आहे, बाकी डोसाचीच चव आहे आणि चटणी पण काय वेगळी नाही करत तशी असतं तशी। प्रकाश कायचं ओपिनियन आहे की नॉर्मल डोसे जैसा डोसा आहे बस उसको वो शेप आहे ऐसा क्योंकि वो कढाई में किया है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। जिनको भी स्पाइसी पसंद है उनको ये चटनी बहुत अच्छा लगेगा। स्पाइसी है ना ये चटनी जो है वो स्पाइसी है थोड़ा, देख सकते हैं। अभी आफ्टरनून में भी नहीं, ऑलमोस्ट इवनिंग हो गया है। मैं चार बजे मैं आया हूँ एंड स्टिल यहाँ पे गर्दी है। मॉर्निंग में तो बहुत यहाँ पे रश होता है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं गणेश कोल्ड ड्रिंक, जहाँ पे अप्पम, दाल वड़ा, मेदू वड़ा सब कुछ है लेकिन अप्पम बहुत फेमस है। ये मसाला अप्पम चटनी के साथ बहुत मसा है। चटनी बदल रिव्यू, चटनी का रिव्यू चुकी से दिलेला मैं अगोदर। चटनी खरच चांगली है, स्पाइसी है, नंतर मला ते काय आलं चांगली चटनी नहीं। अप्पम के साथ मजा आता है। का जो नेक्स्ट प्लेस है जहाँ पे हम आए वो है दादा का रिकमेंडेशन, सुप्रीम समोसा। ये है शिव मंदिर रोड पे। आपको गूगल मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दे दूंगा लेकिन गूगल मैप में भी आपको इजीली मिल जाएगा सुप्रीम समोसा। ये इतना फेमस नहीं है, न्यूली ओपन है बट दादा का रिकमेंडेशन है तो हम लोग यहाँ पे वराइटीज ऑफ समोसा मिलते, तो समोसा ट्राई करेंगे। कोल्हापुरी स्पाइसी में नूडल्स भी स्पाइसी, ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो कोल्हापुरी। अच्छा हाँ, ये सारा रनिंग आइटम है? हाँ, पूरा रनिंग आइटम। तो ज़्यादा ये फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन चाट है। चाट है हाँ, छोले चाट, हाँ दही चाट, सेजवान चाट, कोल्हापुरी चाट, इडली से चाट, मतलब ये सेजवान चाट में चाइनीज चाट है। Okay. समोसा जाएगा हाँ। ये दिल्ली से और पंजाब से, इसमें हाँ। पंजाबी समोसा जाएगा ये okay. दही चाट और छोले चाट okay. और इडली से चाट है, इटालियन समोसा जाएगा इसमें हाँ। व्हाइट सॉस जैसे पास्ता रहता है ना हाँ। व्हाइट सॉस टाइप रहेगा वो उसमें रहेगा। अरे कोल्हापुरी मिसल टाइप आएगा इसमें ओके okay. ट्राई कर रहे थे। एक पनीर चिल्ली चीज, पनीर टिक्का, कोल्हापुरी, नूडल्स, इटालियन एंड मैक्सिकन सगळे एक एक पार्सल ओके। यहाँ पे प्लेस भी है जहाँ पे यू कैन सिट एंड यू कैन हैव इट, पूरा कैफे टाइप बना है एंड बेस्ट थिंग
आज से वो लोग का नया मेन्यू चालू होने वाला है जिसमें पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, मंचूरियन, कॉर्न, पास्ता, सैंडविचेस, ये आज से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी तक जो लोगों को पता नहीं था कि ये सिर्फ समोसा के लिए है, तो वो ये सारे वैराइटीज़ भी खाने यहाँ पे आ सकते हैं। और हाँ, वो ऑप्शन डेजर्ट में भी, डेजर्ट समोसा में चॉकलेट ब्राउनी एंड मावा समोसा बेवरेजेस का भी ऑप्शन है। एंड समोसा इन ब्रेड्स, अच्छा ओके, फ्रेंकी है, सैंडविचेस है, बहुत सारा ऑप्शन है। तो एक बार तो आप अगर डुम्बिली में रहते हैं या फिर डुम्बिली आते हैं तो समोसा खाने के लिए आप ये सुप्रीम समोसा में आओ एंड यहाँ के वैराइटीज़ ऑफ समोसास एंड इनके जो फ्यूजन है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। सर्विस थोड़ा स्लो है, मे बी हम लोग ने ज़्यादा ऑर्डर दिया है इसके लिए हुआ रहेगा ज़्यादा वैराइटी का, बट स्टिल टाइम तो लग रहा है। तो इवनिंग के टाइम पे मे बी उनका रेडी होगा तो फटाफट मिलेगा, बट इन आफ्टरनून मतलब एक 3-4 बजे हम लोग आए, अभी तो थोड़ा स्लो है। ये सारे जज लोग ये खा के बताएंगे कैसा है। ये खोल ये पनीर चीज़ चिल्ली फूड सर। अच्छा ये तो पनीर चिल्ली नॉर्मल ना, हाँ बट ज्यादा चीज दिसत नहीं, चीज मेल्ट झाले रे, चीज मेल्ट झाला असणार। ये अंदर का स्टफिंग है, मतलब पनीर चिल्ली वाला स्टफिंग है ना वो है। घरचे सर की चटनी, पनीर चिल्ली जो होता है जो घर में होटल में मिलता है वो समोसे के वो जो भी है कोटिंग करके जो फ्राई किया, हाँ एक बार ट्राई कर सकते हैं, ऐसे एकदम अच्छा नहीं। ठीक है ओके, ये इटालियन समोसा अच्छा लगा मेरे को, तो अच्छा लगा ये, अच्छा है पर आपने तो बोला ओके और अभी बोल रहे हो अच्छा है, तो क्या चाहते हो? भारी पड़ता है, बुरा भी नहीं है, ये इटालियन समोसा एकदम भी अच्छा नहीं है, अच्छा है ओके। पास्ता सॉस वाली के इसके अंदर का स्टफिंग ब्रोकली वगैरह से मे बी जो व्हाइट सॉस होता है ना पास्ता वाला, उसके साथ रेड कैप्सिकम, ग्रीन, बाद में ऑलिव्स वगैरह है, ये मस्त है, ये एक बार तो खाना चाहिए, बहुत अच्छा है। अरे बहुत अच्छा है, मस्त है, इटालियन गेला पाहिजे ना, इटालियन आप खाना इधर जाके मस्त है। दादा तू काय लगा, पनीर चिली वाला भी बहुत अच्छा है, तू काय लगा पनीर चिली? अरे हां दोन्ही मस्त, मला आवडले दोन्ही आवडले ओके। पनीर टिक्का टिक्का पनीर टिक्का पफ सारखा का दिसतो, सारखा दिसतोय हा, हो पोड पनीर, अरे हे खा कोणीतरी इटालियन पनीर टिक्का पनीर है इसमें। फुल टिक्क्याची भाजी है ना, मस्त दिसतोय, दिसायला तर एकदम टेम्प्टिंग है, टाइम फॉर पनीर टिक्का। पनीर का भाजी है सर, पनीर का भाजी है ना, जिनको पनीर का भाजी पसंद है समोसा खाओ, पनीर टिक्का समोसा। जिनको स्पाइसी चाहिए, स्पाइसी सबसे तीखा समोसा है उधर का कोल्हापुरी समोसा, जो उन्होंने क्लेम किया है ये स्पाइसी रहेगा, ये पूरा वेजेस का स्टफिंग है अंदर। काय तरी वेगळं आहे, स्पाइसी तर आहे। अरे सॉरी यार हम लोग से चटणी मिस हो गई, दादा अकेला चटणी खा रहे हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, दे मला दे प्रोवाइड यू केचप आल्सो, तू कोल्हापुरी का टिकट है तिखा है सच्ची में। ये मेरी छोटी भतीजी मेरी शानू, शानू भी खा के रिव्यू देगी, तू खाणार ना शानू? समोसा का ना, कोल्हापुरी समोसा तिखट है जाम, तो पर्यंत दुसरा ओपन कर, मेक्सिकन ओपन कर, मेक्सिकन खाईल ती,
मैक्सिकन समोसा मैक्सिकन आपण भारी वाटतंय बघायला कॉर्न आणि कॉर्नची स्टफिंग आहे राजमा आहे काय राजमा आहे राजमा कॉर्न राजमा राजमा मुळे थोडे वेगळे टेस्ट होते आपण मस्त आहे सानू आहे काय सानू हा कसं आहे सांग समोसा ये नूडल समोसा ह्याच्याकडून असे काय एक्सपेक्टेशन आहे हा नूडल्स नूडल्स असतात आपण नूडल्स फ्रँकी खातो तसा नूडल समोसा तसा नूडल समोसा इसके अंदर नूडल्स आहे चिली का छोटा छोटा बारीक चिलीज भी डाला है और सॉसेस है सब अच्छा ये अच्छा है सबसे बेस्ट इटालियन है सबसे अच्छा बोल रहा हूँ ये अच्छा मस्त दिखा है अगर मैं रैंकिंग दूँ जो भी छह समोसे हम लोग ने ट्राई किया अगर मैं रैंकिंग दूं, फर्स्ट पे है इटालियन सेकंड पे नूडल्स मेक्सिकन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से वो मुझे रखना नहीं आ रहा है लेकिन एज पर माइंड और पांच छह लोगों के ओपिनियन के हिसाब से नूडल्स एंड इटालियन बेस्ट समोसा अगर आप डोंबिवली में आ रहे हो डोंबिवली में रहते हैं तो जाके सुप्रीम समोसा में ये ट्राई करना है एंड कोल्हापुरी स्पाइसी लवर्स के लिए कोल्हापुरी लिटरली वो खाने के बाद पानी चाहिए रहता है इतना स्पाइसी था नाउ टॉकिंग अबाउट दिस प्लेस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट क्योंकि पप्पा हमें यहाँ पे लेके आते थे डोंबिवली ईस्ट में एग्जैक्ट ये लोकेशन पे आर के फास्ट फूड कॉर्नर करके है जहाँ पे अभी भी हमारा पूरा फैमिली है ना यहाँ पे उत्तपा खाता है प्लेन उत्तपा एंड ऑनियन उत्तपा ईस्ट में स्टेशन के एग्जैक्ट सामने मतलब लेफ्ट साइड में ये उत्तपा वाला है यहाँ पे स्पेशलिटी है उनका वो वाइट एंड रेड चटनी हा क्या लगता है वो अभी भी मतलब मॉर्निंग का नाश्ता अगर हम डोंबिवली आते हैं तो यहीं पे ही होता है अभी जो नेक्स्ट प्लेस हम लोग आए हैं ये इवनिंग में स्नैक्स कॉर्नर यहाँ पे फास्ट फूड बहुत फेमस है और वो है हम लोग पेंडरकर कॉलेज जो है डोंबिवली में उसके एग्जैक्ट बाहर ये सारे स्टॉल्स लगते हैं पेंडरकर कॉलेज एंड गर्डा सर्कल ये दो लैंडमार्क आप मतलब गूगल मैप पे सर्च करके यहाँ पे आ सकते हैं जहाँ पे मेन सर्कल है यहाँ पे दिख रहा है जम्बो किंग है देन उसके ऊपर बोलेज रोल तो इन शॉर्ट आप इसको डोंबिवली का खाऊ गली बोल सकते हैं जम्बो किंग है बोलेज रोल है देन ये मेन पेंडरकर कॉलेज का एंट्रेंस एंड यहाँ से पूरा वो स्ट्रीट फूड जो है वो स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपको फ्रैंकीज हो गया रोल हो गया भुर्जी पाव से लेके आपका पानी पूरी शेव पूरी एवरीथिंग यू विल गेट जो नेक्स्ट जॉइंट हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो है पैम्पर बेली शॉर्मा जो बहुत फेमस है यही लाइन में पैम्पर बेली यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा क्राउड फेमस है फॉर शॉर्मा इनका मेन्यू है चिकन कैबेज शॉर्मा चिकन शॉर्मा चिकन चीज शॉर्मा मीट मायो स्पेशल चिकन चिकन सलाड एंड दे हैव अ चारकोल शॉर्मा आल्सो मस्ट ट्राई जिसमें रिकमेंडेड है
तो यहाँ पे चारकोल मस्ट रहा है, बट चारकोल ड्यू टू सम रीजन अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग ने ऑर्डर किया है स्पेशल शॉर्मा। तो वन मोर थिंग, सर्विस बहुत फास्ट है, रश होके भी एक मिनट डेढ़ मिनट में हम लोग का शॉर्मा भी आ गया। तो थम्स अप फॉर द पेपर बेली शॉर्मा वाला, उनके फास्ट सर्विस के लिए। अभी मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसा है। अलग अलग सॉसेस से उसका टेस्ट आ रहा है, चिकन भी अच्छे से रोस्ट है एंड ऑयल है, कौन सा तो वो ऑयल का भी स्वाद आ रहा है, लेकिन कौन सा ऑयल है बता नहीं पा रहा हूँ। मस्त है, बहुत अच्छा। प्रकाश तुझे सांग मस्त टेस्ट है। हाँ थोड़ा वही, थोड़ा अलग टेस्ट है ये पूरा। आप स्टफिंग देख सकते हैं, सलाद, चिकन, स्पेशली कांदा है जमा। कांदा है। हाँ कांदा भी है। सो ये भी मस्ट रहा आइटम इन डोंबिवली, पेपर बेली का शॉर्मा। सो आई एम अ शॉर्मा लवर पर्सन, मैं बहुत 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 शॉर्मा खाता हूँ, तो मुझे बहुत सारे जगह के टेस्ट एंड उसका एक्सपीरियंस है। आई कैन बेट यू कि वन ऑफ द बेस्ट शॉर्मा है, मतलब बहुत अच्छा था, पूरा बैलेंस। प्रकाश ने बोला पूर्ण बैलेंस टेस्ट होती, सॉस पासून सगळे एकदम, ना जास्त काय ओवर होता का काय नाही, सगळं एकदम बॅलन्समध्ये होता आणि चांगला शॉर्मा होता। इन शॉर्ट चिकन का क्वांटिटी हो गया, सलाड हो गया, एवरीथिंग, सॉस से लेके एवरीथिंग, ऑयल, एक वेगळा ऑयल होता। हाँ कोई तो ऑयल था, कोई तो ऑयल था, मे बी चिकन का ऑयल होगा, पूरा मैरिनेशन का। बहुत बैलेंस टेस्ट था, मस्त टेस्ट था। तो डोंबिवली में है तो ये आप आके यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। तो आफ्टरनून में 3 o'clock को ये ओपन हो जाता है एंड इवनिंग 11 तक ये होता है। सो आफ्टर 3 आप यहाँ पे आ सकते हैं बेल पेपर शॉर्मा ट्राई करना। मस्त लीजिए। ये हो गया, अभी जाते हैं दूसरा कोई जो भी हो स्ट्रीट फूड वाला लाइन था वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट प्लेस है वो है वेलकम टू दी दीपक पानीपुरी सेंटर। यहाँ पे ये सारा वैरायटी बहुत फेमस है। कोल्ड पानी पूरी ना, इसमें अलग ये वाला पानी जाएगा क्या? दो गोल, एक गोल हाँ। बर्फ वाला पानी है क्या? तो सबसे पहले हम लोग ट्राई कर रहे हैं कोल्ड पानी पूरी। देखा मीडियम है ना? मीडियम। दादा तो कैसा है ये पानी पूरी? अच्छा है, ठंडा है तो अलग टेस्ट आ रहा है। यहाँ के जितने भी आउटलेट है पानी पूरी शिवपुरी में, ये सबसे फेमस वाला है। तो जो भी आपको ट्राई करना है वैरायटी यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हैं। हम लोग ने कोल्ड पानी, आइस वाला वो पानी पूरी खाया, मस्त था। बाकी का जो जिसको अच्छा लगता है वो आके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट प्लेस जो है वो फेमस है मोमोज के लिए एंड वो नेक्स्ट टू द जो शॉर्मा खाया था वही शॉर्मा के बाजू में ही है मोमोज का शॉप, डेलीजो मोमोज। जो शॉप का नाम है डेलीजो मोमोज, नेक्स्ट टू द शॉर्मा शॉप के बाजू में डेलीजो मोमोज।
मोमोज के लिए बहुत फेमस है। मतलब ये लोग का पहला फूड ट्रक भी होता था, तो एक दो फूड ट्रक, अभी नाउ दे हैव इतना बड़ा आउटलेट। सो मोमोज में आपको वैरायटी बताता हूं। दो टाइप का अलग अलग चटनी है, टैंगी। तो ये जो टैंगी चिकन है, इसको स्टफिंग देख सकते हैं, पूरा चिकन है और सॉस का पूरा टैंगी ने था। और ये दोनों में से कोई तो एक सॉस है, एकदम स्पाइसी है, तो स्पाइसी सॉस के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, हाईली रिकमेंडेड। यहाँ पे टैंगी चिकन आइदर फ्राइड और स्टीम, आप मंगा के खाना प्लीज़। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर किया है स्पाइसी वेज फ्राइड, इसमें भी सेम वो दो टाइप का अलग अलग चटनी है, और चटनी स्पाइसी है और ये भी स्पाइसी वाला है। ये खा के ट्राई करता हूँ। तो इसके अंदर कैप्सिकम, कैबेज और ग्रीन चिल्ली चॉप करके डाला है, तो उसका पूरा स्टफिंग है ये। ये भी मतलब ठीक है, इतना अच्छा नहीं, लेकिन ये वाला बहुत अच्छा लगा, टैंगी चिकन स्टीम, हाईली रिकमेंडेड। ये हाँ, स्पाइसी लवर्स के लिए जिनको वेज खाना है। तो इन्होंने बहुत स्पेसिफिक रखा है ताकि बहुत अच्छे से वो टेस्ट क्वालिटी दे पाए। सो वेज में दे हैव दिस फाइव ऑप्शन, एंड ये तो फ्राइज है, एंड नॉन वेज में दे विल ऑल्सो गिव यू फाइव ऑप्शन। यस, सिंपली स्पाइसी टैंगी चिकन, एंड यू कैन एबल टू सी दे हैव स्टार्टेड विद द ये नॉर्मल छोटा सा स्टॉल 10 Jan 11, मतलब शॉप को 10 साल हो गया। ये 2016 में दे यूज्ड टू सर्व दिस विद द फूड ट्रक, यहाँ से लेके यहाँ तक उनका पूरा जर्नी, ये जो टेस्ट है जो टैंगी का मैं बताया, ये पूरा टेस्ट डिफाइन करता है। प्रकाश, कैसे होते टेस्ट? नॉनवेज वगैरह मस्त होती, स्टफिंग वगैरह भरलेली होती आणि टेस्ट पण चांगली होती। वेजवाला ओके होता, पण टँगीवाला ट्राय करा। टँगीवाला तो टँगीवाला चिकन टँगीवाला एक नंबर, वेज टँगी भी अच्छा ही होगा, तो स्टीम खाया फ्राइड भी अच्छा होगा। एंड येस, जैसे मैंने बताया कि 10 साल हो गया, यहाँ स्टॉल था, बाद में फूड ट्रक, और बाद में अभी इतना बड़ा आउटलेट, तो ये डिफाइन करता है अपना टेस्ट। सो वर्थ है यहाँ पे आना, तो यहाँ पे आओ। एंड और ये जो फूड ब्लॉग था डुम्बिवली का, यहीं पे एंड होता है। मुझे पता है बहुत सारे प्लेसेस जो ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉग में वो मैंने कवर नहीं किए, वो मैं नेक्स्ट दूसरा जब सेकंड पार्ट बनाऊंगा तब मैं कवर करूंगा। एंड कोई भी प्लेस मुझसे मिस हो गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, अगर आपने ऑलरेडी वहाँ पे जाके कुछ टेस्टी फूड एक्सप्लोर किया है। एंड ये जो पेंडरकर कॉलेज वाला मैं लेन बोला, ये पूरा मतलब मैं यस्टरडे भी आई एम मेंशन पूरा खाऊंगा, लिए वहाँ से लेके ये पूरा वहाँ तक एंड तक अलग अलग ऑप्शन है खाने का। सो वैरायटीज आपको यहाँ पे मिलेगा, सो नॉट ओनली स्पेसिफिक जो मैंने बताया वही शॉप, बाकी शॉप में भी आके आप जो आपको पसंद है फूड वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नए फूड ब्लॉग के साथ एंड नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ हम जल्दी आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।